हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चा, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी हमारे क्षारक और लवण, और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज या अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस यानी हमारे क्षार के बीच में अंतर बताइए। तो बेसिक अंतर क्या है बच्चों, इनमें एसिड जो है खट्टा या शॉर्ट टेस्ट का होता है और बेस जो है या क्षार कड़वे या बिटर टेस्ट का होता है। अब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है और यहाँ पे ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है बच्चों। दूसरे वाले में एसिड में रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाता है। एसिड जो है कोई चेंज नहीं लाता टर्मरिक में, लेकिन जो बेस है वो क्या कर देता है, लाल कलर का कर देता है। फिर है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, अमोनिया इज फाउंड मेनली इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। तो अमोनिया कई घरेलू उत्पादों में पाया जाता है जैसे खिड़की के क्लीनर के तौर पे, और ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसकी प्रकृति होगी बच्चों बेसिक या क्षार की इन नेचर। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड, व्हाट इज इट द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी उस सूत्र का नाम बताइए जहाँ से लिटमस घोल प्राप्त किया जाता है, इसका विलयन का क्या उपयोग है। तो लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइचन से एक्सट्रैक्ट होता है, और ये लिटमस सॉल्यूशन यूज़ होता है एज एन इंडिकेटर या सूचक के तौर पर जो एसिड और बेस के बारे में या फिर अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में बताने में इस्तेमाल होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, इज डिस्टिल वाटर एसिड बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई कि अशुद्ध जल अम्लीय क्षारकीय तटस्थ है, इससे आप कैसे सत्यापित करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, डिस्टिल वाटर बेसिकली जो न्यूट्रल होता है उसके नेचर का होता है, इसे टेस्ट करने के लिए हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर को लेंगे और दोनों ही केस में किसका कलर चेंज नहीं होगा, इससे हमें पता चलेगा कि ये न्यूट्रल नेचर का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, यानी उदासीनीकरण की प्रक्रिया को आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना है। तो बच्चों, जब NaOH की HCl के साथ अभिक्रिया होती है, यानी कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है, एसिड और बेस की यानी कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया हो तो एक साल्ट बने, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं। तो हमने क्या लिया, NaOH को लिया, HCl को लिया, दोनों से हमें NaCl मिला, H2O कुछ मिला और कुछ हीट जनरेट हुई बच्चों। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये क्या है आपका, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये गलत है बच्चों। फिर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देता है, वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये भी आपका गलत है बच्चों। फिर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ईच अदर को, दोनों एक दूसरे को, और क्या करते हैं बच्चों, ये एक सॉल्ट और एक वाटर बनाते हैं, नमक और पानी बनाते हैं, तो ये सही है, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका, इंडिकेटर क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट कलर्स को के द्वारा एसिड और बेस को बताता है, तो ये यस है। फिर क्या है, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी दांतों का क्षय आधा जो क्षारकीय है उसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये गलत है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। दोर्जी हैज़ ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, वन कस्टमर वांट्स एन एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट्स ए बेसिक ड्रिंक, एंड थर्ड वन वांट्स ए न्यूट्रल ड्रिंक, हाउ विल दोर्जी डिसाइड विच ड्रिंक इज सर्व टू होम। यानी दोर्जी एक रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें, लेकिन दुर्भाग्य से उन पर लेबल नहीं लगाया और उसे ग्राहकों की मांग पर पेय पदार्थ परोसना है, ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय पेय चाहता है, और तीसरा तटस्थ पेय चाहता है यानी न्यूट्रल पेय चाहता है, तो दोर्जी ये तय कैसे करेंगे। तो दोर्जी क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स जो है सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल से निकालेंगे, जो खट्टे वाली टेस्ट की होगी वो एसिडिक होगी, जो
कड़वे वाले टेस्ट की होगी, वो बिटर टेस्ट की होगी, वो बेसिक नेचर की होगी, और जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं होगा वो न्यूट्रल या उदासीन होगी, तटस्थ होगी, और टेस्ट के अनुसार वो उसे दे सकते हैं, या फिर दोर्जी जो है लिटमस पेपर के का भी यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए। अब जब लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे तो एसिड के केस में क्या होगा, ब्लू टू रेड चेंज होगा, बेस के केस में रेड टू ब्लू चेंज होगा, और जो बेसिक होगा वो जो न्यूट्रल होगा उस केस में कोई चेंज नहीं होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई, समझाइए। तो पहला, इसमें एंटा एसिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब आप एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो एंटा एसिड टेबलेट ली जाती है, क्यों? तो एंटा एसिड बेसिकली होता क्या है, बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो कि शारक के तौर पे काम करता है, बेस के तौर पे काम करता है। जो एसिड आपके प्रोड्यूस हो रहा है स्टोमक में उसको क्या करता है, थोड़ा माइल्ड कर देता है या न्यूट्रल कर देता है उसके असर को, ठीक है बच्चों। फिर है बी पार्ट इसका, कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन आंट बाइट, यानी चींटी के काटने पर त्वचा का पर कैलेमाइन घोल लगाया जाता है। तो होता क्या है, कैलेमाइन में जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है बच्चों, वो भी क्या करता है, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, जिससे किसी व्यक्ति को आराम लगता है। फिर है इसका सी भाग। सी भाग क्या कहता है बच्चों, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी, यानी कारखाने में के कचरे को जल के निकाय में निपटान से पहले निष्क्रिय कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिडिक नेचर का जो कचरा अगर एक्वाटिक लाइफ में जाता है तो वो क्या करता है, वो आपका जो पानी है उससे तो दूषित करता ही करता है, एक्वाटिक जो एनिमल्स या प्लांट्स वहाँ पे हैं उन्हें भी बहुत जो है असर पड़ता है उस पर, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है थ्री लिक्विड्स आर गिवन टू यू, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। यानी तीन तरल पदार्थ आपको दिए, एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है चीनी का घोल, आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय ये काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, एक ड्रॉप आपको लेनी है टर्मरिक इंडिकेटर के, उस पर डालनी है। तो सोल्यूशन क्या होगा, अगर चेंज कर जाता है रेड पे बदल जाता है तो वो आपका क्या हो गया बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक नेचर का है। फिर क्या करना है बच्चों, आपको जो मिक्सचर है आपके पास बना हुआ है उसमें उसे दो बूंदें लेनी है और उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक एक बूंद डालना है। अब एक नया चीज़ जो बनी है उसे उसकी जो एक बूंद है वो डालनी है आपको, किस पे, आपके इंडिकेटर पे। जब आप इंडिकेटर पे डालेंगे मिक्स चीज़ को तो अगर चेंज हो जाता है इंडिकेटर का जो रेड कलर है, इंडिकेटर के कलर को रेड चेंज करता है तो वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा आपका, तो वो कैसा होगा, शुगर का होगा। अब सेम प्रोसेस वापस रिपीट करने पे अगर कोई चेंज नहीं होता है कलर में तो वो क्या होगा, वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन इट रिमेंस ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन। यानी नीले लिटमस के पेपर के एक घोल में डुबाया जाता है, नीला ही रहता है, तो उस सॉल्यूशन का क्या प्रकृति होगी, व्याख्या कीजिए। तो उसकी क्या होगी, न्यूट्रल या बेसिक नेचर का होगा बच्चों, तटस्थ या सारकी नेचर का होगा, क्योंकि दोनों ही केस में नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है, बोथ एसिड एंड बेसिड चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, यानी अम्ल और क्षार दोनों सभी संकेतों को बदल देते हैं। फिर क्या है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज व्हेन द एसिड व्हाट इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस। तीसरा क्या है, इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद ए बेस इट डज नॉट चेंज कलर ऑफ एन एसिड, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। अब इनमें से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप देखेंगे कि जो चौथा स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट है। वो क्या कहता है, चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ इंडिकेटर, यानी अम्ल और क्षारक के रंग का परिवर्तन उसके जो हम संकेतक यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, ना कि अम्ल और क्षारक के। बच्चों तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।